सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आज पंचकुला की धरती पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं, किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहेगा सर? देखिए कि आज पूरे प्रदेश भर से हमारे 5,000 कार्यकर्ता इसमें रहने वाले हैं और माननीय गृह मंत्री जी दिशा निर्देश देंगे आकर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, और तैयारी तो हमारी पहले से है लेकिन और भी आकर के कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से चार्ज करने का काम करेंगे। हम लगभग 2-2.5 महीने के बाद चुनाव में जाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं इस कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूँ। कार्यकर्ता इतनी संख्या में यहाँ पूरे प्रदेश भर से आए हैं और हम भी एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसी नाते से मैं तीसरी बार से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसी उम्मीद के साथ मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। सर क्या फायदा मिलेगा इस कार्यक्रम से? जब भी केंद्रीय मंत्री इस प्रकार से आते हैं और बड़ा कोई नेता आता है प्रदेश में तो कितना फायदा मिलता है, क्या कितने कार्यकर्ता इससे उत्साहित नजर आते हैं? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व में एक सबसे बड़ी पार्टी के लोग हैं और इसमें समय समय पर संगठन के निर्देशानुसार इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और उसमें हमारे आज माननीय गृह मंत्री जी आने वाले हैं और वो आकर के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और सभी को ये निर्देश देंगे। हमने अगला चुनाव विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में बहुत जल्दी होने वाला है और किस तरह हम तैयारी तो है हमारी और भी उस अच्छी तैयारी के साथ उस चुनाव में हम जाएंगे और फिर से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पंचकुला में कार्यक्रम हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट के सेंटर में यानी कि बीच के पॉइंट में इस प्रकार का कार्यक्रम होता तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा आप लोगों को मिलता इस कार्यक्रम? देखिए संगठन ने तय करना होता हो कहाँ करेंगे कार्यक्रम, कहाँ होना, ये विषय मेरा नहीं है, ये संगठन का विषय है और कार्यकर्ता तो जहाँ भी ये कार्यक्रम करेगा वहाँ पहुँचेगा और पहुँचता भी है और आने लग रहा है। आप देख रहे हैं बहुत भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। दिसंबर सिंह थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इनका साफ तौर पे कहना है कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब कार्यक्रम होता है तो लोगों में कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है तो उसी संदर्भ में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और वो बधाई भी तमाम कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम की देते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़ पंचकुला।